हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल घोष। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मुझे कुछ एक ही दिन में 4 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, तो उन्हें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे कमबैक वीडियो में इतना मुझे प्रेरणा दिया, मुझे सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मेरा एक व्यूअर है जो कि शुभेच्छा है, और उसने मुझे एक वीडियो में कमेंट किया था कि मेरा वीडियो उसको अच्छा लगता है। तो शुभेच्छा, आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं और भी नए नए टॉपिक पर वीडियो रिलीज़ कर पाऊँ। और सिर्फ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो में और शेयर कर देना, और न्यू जो भी देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, और ये द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ये इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन का रूट्स निकालने को आपको बोले हैं। तो आप क्या करोगे, 1 को लेफ्ट हैंड में लाओगे ऐसे, और इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका एक वैल्यू ये होगा, और दूसरा वैल्यू ये होगा। तो एक वैल्यू तो आ जाता है x इक्वल्स टू 1, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो कि इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे श्रीधर आचार्य लॉ को उपयोग करेंगे, x माइनस बी, तो यहाँ पे होगा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 4 माइनस और 2a, इसका मतलब हुआ 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 बाई 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूट माइनस 3 है, और हम जानते हैं कि आयोटा और आई का क्या वैल्यू होता है, रूट माइनस 1। तो मैं यहाँ पे रूट माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करूँगा आई से, तो इसका वैल्यू आ जाता है माइनस आई माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई बाई 2। तो इस एक्स का क्या क्या वैल्यू आता है, 1 माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, और एक माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो हम यहाँ पे किसी एक रूट को ओमेगा अगर मान ले तो दूसरा रूट क्या होगा? अगर ये हमने इसे ओमेगा मान लिया तो ये दूसरा रूट होगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये ओमेगा होगा, तो मैंने इसे यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्यों नहीं लिया, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया? तो अभी हम देखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू ये आ रहा है जो कि ओमेगा स्क्वायर है, मतलब पूरा का पूरा स्क्वायर आएगा तो ये आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर, मतलब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 1/4, और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, माइनस 2√3i, और यहाँ पे होता है माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, माइनस 1।
तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलता है जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस टू होता है और अगर फोर से डिवाइड करोगे तो हाफ आएगा और यहाँ पे टू टू कट हो जाएगा। तो ये जो कि हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा और अगर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो कोई भी आप एक को ओमेगा पकड़ लीजिए और दूसरा ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये तो रहा वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हम इसे ऐसे ही कॉन्सिडर करेंगे। तो अभी रिलेशन की बारी। तो रिलेशन क्या आता है, एक रिलेशन आता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों रूट का सम क्या आता है। तो चलिए निकालते हैं, वन प्लस हम अगर इसे साथ में लिखे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। तो ये और ये कट होता है और माइनस वन जो कि होता है माइनस टू और टू टू से कट हो जाएगा, मतलब वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक बहुत ही अनोखा रिलेशन है कि तीनों रूट का सम ज़ीरो होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो। अगर हम तीनों रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, मतलब सीधा सीधा ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, ये एक और माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, ये एक। तो यहाँ पे ए प्लस भी है और ये ए माइनस भी है, तो हम इजीली स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, फोर। तो आप देख सकते हो कि ये तो होता है वन और माइनस थ्री आई स्क्वायर, जो कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस आता है, तो ऊपर फोर हो जाएगा और नीचे भी फोर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कट करके वन हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमें वन मिला है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अभी और देखते हैं कि ये रिलेशन हमें कैसे काम आता है, कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल फाइव से डायरेक्ट। तो हमें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमें निकालने को कहा है एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस। तो आप देख सकते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में आई है, तो मैंने कहा था कि नीचे अगर कुछ भी आई का टर्म्स हुआ तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म, मतलब फॉर्मूला को यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हम ऊपर नीचे वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है वन माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है। तो ये तो हो गया टू। तो हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते आई प्लस आई स्क्वायर बाई टू, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, माइनस वन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आई इंटू हाफ। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई का। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, हम अगर इसे जेड कॉन्सिडर करेंगे तो फर्स्ट हमें निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड, जो कि ये होता है, सॉरी ये मॉड्यूलस है, मैंने गलती से एम्पलीट्यूड बोल दिया, सॉरी। तो ये क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये क्या होता है, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, मतलब हाफ। अंदर पूरा का पूरा सम करोगे तो हाफ आ जाएगा, तो
तो इसका वैल्यू आता है 1/√2। और अभी थीटा जो कि हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, तो टेन इनवर्स आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या था, वाई बाई एक्स, मतलब हाफ बाई माइनस हाफ, हाफ वाई माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स माइनस वन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू माइनस वन है। तो अगर वैल्यू माइनस वन होता है तो इसका मतलब टेन किस क्वाड्रेंट में है अभी, सही का सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो हमें इसका क्या वैल्यू मिलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री घूमना पड़ता है, इसीलिए पाई। और टेन इनवर्स वन का क्या वैल्यू है, माइनस पाई बाई फोर, जिसका वैल्यू आता है 3π/4। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये हो गया आर्गुमेंट और ये हो गया मॉड्यूलस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो कि है एग्जांपल 6। ये चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था, तो अभी एग्जांपल के दौरान डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे आपको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है तो वो देखते हैं। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कुछ इस तरीके से है, जेड इक्वल्स टू, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो आर है वो है आपको दी गई, मतलब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मॉड्यूलस। और यहाँ पे जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो आप ये थीटा देख रहे हो, तो थीटा का यहाँ पे है एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। तो आपको सिर्फ ये फॉर्म याद रखना पड़ता है कि आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसे जेड मान ले तो फर्स्ट हमें मॉड्यूलस निकालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स रूट थ्री है और वाई माइनस वन है, तो यहाँ पे होता है 3 प्लस माइनस वन द स्क्वायर, मतलब 1 इक्वल टू 2। और थीटा का क्या वैल्यू आएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई है माइनस वन और एक्स है रूट थ्री। तो हम यहाँ पे एंगल को नेगेटिव ही रखते हैं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं, ये आपका मामला है, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस को बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि टेन में टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा होता है। तो माइनस टेन 1/√3, जो कि एंगल आता है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो यहाँ पे हमें माइनस π/6 को कॉस थीटा की, यहाँ पे थीटा की जगह पुट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे एंगल में ही रखा। और यहाँ पे बड़ा एंगल क्यों था, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर निकालना था और आंसर में माइनस लगभग नहीं आता, आपको पॉजिटिव एंगल में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ही रखा। तो जेड का क्या वैल्यू हमें मिलता है, आर जो कि है 2 कॉस माइनस π/6, और यहाँ पे आता है प्लस आई साइन माइनस π/6। तो ये तो होता है 2 कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, और π/6 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप
कॉस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, और साइन माइनस थीटा जो कि होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाता है माइनस आई साइन पाई बाई सिक्स। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। आपको एंगल को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ आप लिख डालिए कि कॉस थीटा माइनस आई प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाता है आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो कि एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11 में क्या है, इसका जो दूसरा मतलब टू पार्ट जो है, जहाँ पे आपको माइनस आई दिया गया है जेड का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप इसे कुछ ऐसे कन्वर्ट करें कि इसका वैल्यू एक प्रोडक्ट का स्क्वायर हो और आप इजीली इसका रूट निकल सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर रूट आप निकालना चाहे तो आपको किसी भी रूप से एक स्क्वायर को लाना पड़ता है, तो आप इजीली रूट निकाल सकते हो। तो चलिए ये माइनस आई है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्क्वायर के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस आई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2i, और 2i को हम कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस 1। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ प्रोसेस को थोड़ा याद रखिएगा, वरना आप उसे यहाँ पे मतलब एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे हाफ है, तो 1 तो एक होता है 1, ये एक रह गया और माइनस 2i। तो माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सही का प्लस i स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्म। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस आई स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला आता है पूरा। तो हम इजीली इसका रूट अब निकल सकते हैं। सो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/√2, सॉरी आगे प्लस माइनस आएगा क्योंकि हम रूट निकल रहे हैं, और ये हो जाता है 1 माइनस आई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, और जिसे कि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो रिलेशन हमने निकाला था उसको हम, उसका जो सिग्निफिकेंस है यूज़ है वो हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू 9 है। तो चलिए प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही लिख डालते हैं। अगर हम ये ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और हमने ऐसे क्यों लिखा है वो आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/ मतलब ओमेगा 8 है, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3, बाकी रहा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 माइनस ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब, और ये ओमेगा। तो 1/ ओमेगा स्क्वायर, हमने अभी अभी जाना कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1/ माइनस ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब दो बार है
तो 1 ही होगा माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 3 बार है, 1 ही होगा और ये ओमेगा रहता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4, और यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर 4 है, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा जो कि होता है ओमेगा, और तो हम अब इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी एक जो रिलेशन रहा वो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हम इसे यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे उपयोग करना है, 1 लिख डाले प्लस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा लिख डाले, अब यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर कीजिएगा और एडजस्ट करने पर आपको 3 ओमेगा स्क्वायर मिलता है यहाँ पे, और इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख डालिए और यहाँ पे प्लस ओमेगा लिखिए और एडजस्ट करने के लिए 3 ओमेगा कर दीजिए। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो यहाँ पे दोनों तरफ आ जाता है 0, तो वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 ओमेगा। तो हम अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 9 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का क्या वैल्यू आता है 1। तो आप देख ही सकते हो कि आपको अगर रिलेशन नहीं पता है तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये रिलेशन का ये यूज़ था। तो आप शायद इस चैप्टर को समझ पाए हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप इस चैप्टर का भी एमसीक्यू पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर का भी एग्जांपल्स जो है वो आप देख के जाइए एग्ज़ाम में, तो लगभग आपको कॉमन ही मिलेगा। और ये जो चार मैंने एग्जांपल्स कराया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो प्लीज़ ये सब प्रैक्टिस में रखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा सब्सक्राइब करके और लाइक करके। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया, आप इसमें सब समझ चुके होंगे। मेरे वीडियो में आपको एक ग्राफ और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि आपको एक टॉपिक के एसेंस को समझने में आपकी मदद करेगा। बाकी सब जो और यूट्यूब में वीडियो रिलीज करते वो भी रिलीज करते, लेकिन वो सिर्फ फार्मूला देता है और फिर न्यूमेरिकल्स करा देता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों हुआ, मैं सब कुछ आप लोगों को समझा कर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और टॉपिक को लेके। सो ओके बाय।